आगे बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा जी। हाँ, मान कठोर मरिए, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन हो, बदल जाएगी दुनिया। मैं अभी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मऊ में हूँ। इसको मऊ नाथ भंजन भी कहते हैं। ये बुनकरों का शहर है और यहाँ साड़ियों का कारोबार होता है। घर घर में साड़ियों की बुनाई होती है। इसी शहर में आज दोपहर मुझे इसी रेलवे लाइन के थोड़ा सा आगे फाटक के पास एक बूढ़ा आदमी मिल गया था। उसके लिबास ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित किया था। जब मैंने पूछा कि ये लिबास किस तरह का है, तो उसने ये बताया कि ये बोरे से बना है और उसने अपने गुरु के कहने पर ये लिबास पहना है। हम अपने गुरु के आदेश में, गुरु जो कहे वो करना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुखराम है। कहाँ से हैं आप? मैं कहीं मऊ में हथु मदान। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, चाहिए। खुला रेलवे क्रॉसिंग खुलने का वक्त हो गया था और ट्रेन भी आने लगी थी, इसलिए मैं उस बूढ़े के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाया, ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाया। लेकिन उस आदमी ने जो भविष्यवाणी की है भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, वो बेहद चौंकाने वाली है और डराने वाली है। तो खास बात यही है कि आगे बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा जी। हाँ, मान कठोर मरिए, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन हो, बदल जाएगी दुनिया जी। मांस और मछली में अंडा कोई खाई, गजबा भंगिया से लोगवा झुलाई, ऐसा होगा राज तब हो जाएगी, कल्याण हो, बदल जाएगी दुनिया, परिवर्तन बहुत जबरदस्त। तो आप ये क्यों पहने हैं? लाशों पर लाशों का होगा नजारा उठाने, लाशों लाशों का होगा नजारा उठा। जब आप सफ़र पर होते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और अलग अलग मकामात से रूबरू होते हैं। अगले सफ़र पर हम आपको ऐसे ही किसी शख्स से मुलाकात कराएंगे और मकाम पर ले चलेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहनवाज़ और शायान के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, मऊ, उत्तर प्रदेश।